रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर बस अड्डा के सामने खोका धारकों के हाईकोर्ट में जाने के बाद मामले में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा खोकों की जगह की निशानदेही के साथ पैमाइश करवाई गई। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर परिषद हमीरपुर के जेई अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। हमीरपुर बस अड्डा के सामने खोखा धारकों के हाईकोर्ट में जाने के बाद मामले में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा खोखों की जगह की निशानदेही के साथ पैमाइश करवाई गई। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर परिषद हमीरपुर के जेई अश्विनी कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि कई दशकों से हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोखा धारक दुकानदारी कर रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा गत कुछ दिन पहले ही खोखों को हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते ही कुछ खोखा धारकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाई कोर्ट में जिला प्रशासन को 15 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। इसी के चलते आज सभी खोखों की पैमाइश की गयी ताकि रिपोर्ट भेजी जा सके। 52 खोखा धारकों को जिला प्रशासन ने हटाने के निर्देश जारी किए हैं और कई सालों से खोखा धारकों के पीछे बनाई गई दुकानों में जाने के लिए कहा है, लेकिन खोखा धारक जगह खाली नहीं करने से मामला अटका हुआ है। नगर परिषद के जेई अश्विनी कुमार ने बताया कि नगर परिषद हमीरपुर को खोखा धारकों की जगह को लेकर सम्मन जारी हुए थे, जिसके तहत ही नगर परिषद ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ सहयोग करते हुए कार्रवाई में भाग लिया है। और रेवेन्यू वालों ने हमें भी उसमें सम्मन किया था, उस सिलसिले में हम भी साथ आए हैं, जो आपके निशानदेही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा ली जा रही है। पीडब्ल्यूडी के जेई ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने खोखो की निशानदेही और पैमाइश की और विभाग के पास रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी और बाद में अवैध खोखो पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खोखे हमारे पीडब्ल्यूडी की जमीन में और डीसी साहब के आदेश है कि निशानदेही ली जाए, उन खोखों को जो भी है वो लीगल कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो आज निशानदेही हुई है और तो इसके बाद हम देखते हैं जो भी विभागीय कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। करीब खोखे हैं जो हमारी पीडब्ल्यूडी की लैंड में हैं।